रणबोली तालाब प्रतियोगिता का किया गया आयोजन, बड़ी संख्या में महिलाओं ने लिया हिस्सा। नमस्कार, तूफान टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में चाय बनाने में उपयोग होने वाली सामग्री से रंगोली बनाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अग्रवाल महिला मिलन समिति द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को शक्कर, चाय पत्ती और चाय बनाने में उपयोग होने वाली अन्य सामग्री जैसे इलायची, लौंग, काली मिर्च, तुलसी पत्ते और अन्य सामग्री से रंगोली बनाना थी। इस प्रतियोगिता में समाज की महिलाओं एवं युवतियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अनेक तरह की आकर्षक रंगोली बनाई। इस संबंध में हमने समिति सदस्यों से चर्चा की। प्रतियोगिता हुई है जिसमें चीनी और चाय की पत्ती की हुई है। स्पेशली स्पेशल चाय की बनाई गई है। इसमें हमारे लड़कियां भी पार्टिसिपेट करी हैं और औरतें भी करी हैं, तो हम लोग को अच्छा लगा और हम चाहते कि और ये प्रतियोगिता आगे बढ़ती जाए जिसमें कि और बच्चों और लोगों का मनोबल बढ़े। तो हम लोग यही चाहते हैं कि सब लोग मिलकर इकट्ठे ये कार्यक्रम आगे हम लोग का चलता है। अदरक सभी चाय की रंगोली बनी है, सभी बच्चों महिलाओं ने भाग लिया है। ये हमारा बहुत अच्छा लगता है जिसमें चाय पत्ती और शक्कर देखने में खूब शोभायमान होती है। बच्चे लोग बच्चे और महिलाएं सब लेती हैं भाग। हमारा तो इतनी खुशी होती है कि सब बच्चे और महिलाएं सब भाग लें। अग्रसेन महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में करते हैं हम लोग इस प्रोग्राम। ये हम लोग की एक हफ्ते पहले ही शुरू हो जाती है। इसमें बढ़ चढ़ के सब लोग हिस्सा लेते हैं, अलग अलग प्रतियोगिताओं में रखते हैं लोग। इसमें बच्चों का और लेडियों का जो हुनर है वो बाहर निकलता है उभर के। और हम लोग यही चाहते हैं कि बच्चे जो लेडी घर में रहती हैं या बच्चे जो साल भर इंतजार करते हैं वो आज अच्छे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और अपने प्रतिभा बाहर निकालते हैं। यही हम लोग का मेन उद्देश्य होता है रखने का, और यही हम लोग चाहते हैं। और सब मिलन भी समारोह भी हो जाता है इस मामले से। चाय पत्ती की प्रतियोगिता मनोरंजन करता है और उससे सही होती है।